नजर कितनी तेज है। भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। सुनिए। हाँ चलो जियान, जाओ तुम ही कुछ लेकर आओ। नो पिता, जाकर ले आओ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जाओ। ये लो, ध्यान से पकड़ना, ये काफी गर्म है। पर सिर्फ दो ही मिले हैं। इसका मतलब ये दोनों हम खाएंगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल। क्या कहा? ये गलत बात है ना? क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? बोलो। क्या हमारे पास कुछ पोस्टकार्ड रखे हुए हैं? नहीं नहीं रखे, आप लेकर क्यों नहीं आ जाते? अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें बाहर से कोई शॉपिंग तो नहीं करनी? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप जा ही रहे हैं तो रास्ते से जरा कुछ सामान ले आएंगे। अरे नोबिता, घर का सामान लेते आना। ये तो बहुत ही गलत बात है। मुझे समझ नहीं आता हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है डोरेमोन। चाहे घर के बाहर हो या फिर घर के अंदर, सब मुझ पर ही हुकुम चलाते हैं। हाँ नोबिता, ये तो तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। एक कंपनी में होता है एक प्रेसिडेंट, मैनेजर, सेक्शन चीफ, सुपरवाइजर और एक एम्प्लॉय। मैं जहाँ पर भी जाऊँ मेरे साथ ऐसा ही होता है। नोबिता, अटेंशन। जी सर। कुछ अजीब सा काम मत करवाना प्लीज। दाएं मुड़ो और आगे बढ़ो, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। अरे रुको, जब तक तुम्हारे ऊपर ये बैच लगा हुआ है तुम्हें सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। नोबिता, मैंने कहा रुको। ये क्या था डोरेमोन? रैंक बैजेस। ये रैंक बैजेस फ्यूचर के गेम्स में इस्तेमाल होते हैं। ये गेम पुरानी मिलिट्री रैंक्स जिताती है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर ये बैज लगा दूं और तुम्हें ऑर्डर्स दूं, तो तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। ऑर्डर देने वाला ज्यादा स्टार्स वाले बैज लगाता है और लेने वाला कम। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? अटेंशन। यस सर। मॉम, आप 10 ब्रेड रोल लाओगे और डैड, आप कॉमिक बुक्स लेकर आओगे। हम जरूर लेकर आएंगे। तो आप लोग तैयार हो? यस सर। ऑर्डर्स देकर कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अब मैं ये सब पर ट्राई करूंगा। नहीं नहीं, मुझे ये बैजेस अभी वापस करो। डोरेमोन, जाकर मेरा होमवर्क करो। जी सर। अब देखता हूँ जियान को, मैं उससे अपने सारे छोटे छोटे काम करवाऊंगा। और सुनियो को तो और भी मुश्किल काम दूंगा मैं, और शिजुका ही इन सबसे काम करवाएगी। मैंने सबके ऊपर बैजेस चिपका दिए। हाँ, ये तो मजेदार लगती है। लाओ इसे, मैं चलाऊंगा अब। अच्छा ठीक है जियान। अरे नहीं, जियान को अगर मैंने ये दे दिया तो ये मुझे वापस कभी नहीं मिल पाएगा। जियान, तुम मुझे इसे वापस कब दोगे? तो तुम अब मुझे कोई चीज देने के बाद वापस भी मांगने लगे हो? हाँ, मैं इसे वापस कर दूंगा। अरे जरा ध्यान से। ओके मैम, जैसा आप कहें। हाँ, सुनियो, लगता है यहाँ कुछ अजीब चल रहा है। ये तुम्हारी शर्ट पर कुछ चिपका हुआ है। तुम्हारी शर्ट पर भी? सुनियो, सिर्फ मैं ही उन बैजेस को हटा सकता हूँ और कोई नहीं। नोबिता, तो ये सब तुमने किया है? अटेंशन। यस सर। मार्चिंग का वक्त शुरू हो चुका है, पहाड़ों में से घास लेकर आओ। लेकिन सर, वो आपके किस काम आएगी? किसी काम नहीं आएगी। फॉरवर्ड मार्च। यस सर। एक गड्ढा खोदो। यस सर। सब पेड़ पर चढ़ जाओ। यस सर। हम पेड़ पर चढ़ गए हैं सर। अब सब नीचे उतरो। यस सर। हमने गड्ढा खोद लिया है। अच्छा, तो अब उसे वापस भर दो। यस सर। अब बहुत हो गया नोबिता, बस भी करो। डोरेमोन, क्या तुमने मेरा होमवर्क किया? हाँ, कर लिया।
जाओ उसे ध्यान से पढ़ो और एक बार फिर चेक करो। जी सर। तो सब तैयार हैं स्पॉट मार्चिंग करने के लिए? यस सर। नोबिता तो आज बहुत ऑर्डर दे रहा है। नोबिता आपस भी करो। पूरे शहर के 50 राउंड अभी जाओ। यस सर। अरे नहीं, मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। अरे सर, सर नोबिता तब से हमसे काम करवा रहा है, प्लीज उसे रोकिए। यस सर। यस कमांडर। अब हमें कौन बचाएगा? यस आपको है सर। पूरे शहर के 50 चक्कर लगा के आओ। यस सर, पूरे शहर के चक्कर लगाऊंगा। बहुत गर्मी है, मैं ये उतार रहा हूँ। अरे हे सब सुनो, सब अपनी अपनी शर्ट उतार दो। अरे सब आ गए? तुम सब आ क्यों गए? मैंने कहा था 50 चक्कर। मुझे बचाओ, ये एक ऑर्डर है, जल्दी। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ मुझे उन लोगों से बचाने के लिए। मुझे बचा लो, वो सब मुझे बहुत गुस्सा है। प्लीज डोरेमोन, मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं क्या करूँगा? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं क्यों बताऊँ? डोरेमोन, देख इसुगी का रॉकेट प्लान। सुनो नोबिता, चलो कुछ खाते हैं। नोबिता मैंने कहा कुछ खाते हैं, चलो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नोबिता मेरी बात सुनोगे? पता नहीं वो इतने ध्यान से क्या काम कर रहा है। पता नहीं वो क्या बना रहा होगा। कुछ आसान सी चीज ही बना रहा होगा मॉम, पर अच्छा है कम से कम वो कोई काम तो कर रहा है। हो गया। अरे ये क्या है? ये है स्पेस शटल, है ना कमाल का? क्या कहा तुमने, एक स्पेस शटल? कितना अजीब है। जरा देखो, ये उड़ भी सकता है। छोड़ के तो गई तू,
काफी कुछ मुझे बोल के तो गई तू, तेरे खातिर कितना मैं रोया हूँ, समझा मैं पर समझी नहीं तू, का समझ जाती जो तुझसे कहना था, हर बार आखिर में ही मुझको ही रोना था, कोना था सबको तुझको नहीं, मिस करता भी सबको पर तुझको नहीं, सब कहने की तू लॉयल नहीं तू, मेरे लिए काबिल नहीं तू, पर सुनाने में किसकी भी कभी जाना, सोचा करता दिल से हमेशा हमेशा, काली रातों में चांदी मेरी तू, पर कभी नहीं परवा की मेरी तू, पर जाने दे जो हुआ सब हुआ, जहाँ भी है खुश रहा हूँ, क्यों समझे नहीं तू, हर गाने तेरा ही जिक्र ही क्यों, दूर से तो तू ख्वाहिश से लगी तू, दुआ मांगे तेरी ही खातिर हम क्यों, मैं पागल सा हूँ क्यों समझे नहीं तू, हर गाने तेरा ही जिक्र ही क्यों, दूर से तो तू ख्वाहिश से लगी तू, दुआ मांगे तेरी ही खातिर हम क्यों। ये मैंने बनाया है, जरा मुझे दिखाओ। अब समझा, इसमें तो एक गुब्बारा है। ये तो एक सीक्रेट था। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है जियान। ठीक है, अब मैं इसे और दूर तक उड़ाकर दिखाऊंगा। मैं इससे भी बड़ा स्पेस शटल बनाऊंगा और फिर स्पेस में घूमने जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे डोरेमोन। ये तुम करोगे कैसे? गुब्बारे से? किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी नकल उतारे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मजाक कर रहे हो क्या नोबिता? तो ये बेकार है, कुछ नया बनाने की जगह मुझे जाकर सो जाना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओहो, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों ना तुम एक रॉकेट गेम खेलो। रॉकेट स्ट्रो। अगर तुम इसमें हवा भरोगे तो वो रॉकेट गैस बन जाएगी, लेकिन हवा भरते वक्त तुम्हें तेजी और दिशा पर ध्यान रखना होगा, फिर तुम खुले आसमान में आसानी से उड़ सकते हो। इसकी मदद से? आराम से नीचे की तरफ फूंक मारो। नोबिता, दर्द हो रहा है लेकिन अच्छा लगा। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। अरे ये तो टूट गया। अरे इतनी तेज हवा कहाँ से आ गई? कितना स्ट्रॉन्ग है। पर मजेदार था। होम रन। हे नोबिता, मुझे माफ करना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ये बताओ कि तुम हमारी बॉल को वापस कैसे लाओगे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसे तुम्हारी तरफ फेंका है। ज्यादा चालाक मत बनो नोबिता। अगर तुम ज्यादा गुस्सा हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मुझसे कुछ कह रहे थे, सुनियो, अपने हाथ से कुछ करने वाले थे। नोबिता, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ठीक है, चल रहा हूँ। ये क्या हुआ? तुम्हें मुंह में स्ट्रॉ रखकर हंसने को किसने कहा था?
रहा। इसे वापस करो, तुम्हें तो कुछ भी देना बेकार ही है। इसे थोड़ी देर और मेरे पास रहने दो ना। नहीं, वापस दो इसे, मुझे वापस दो ना बेटा। इधर आओ, रुको, रुको, मैं कहता हूँ इसे वापस दो। नो बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं कभी नहीं हटा। बताओ हम अपनी ड्राइंग कहाँ रखें? किसी शांत सी जगह पर। माफ करना शिजुका, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो डोरेमोन की गलती है। ओह, एक रॉकेट स्ट्रॉ, ये तो अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इससे एक असली रॉकेट बनाएं? बोलो। क्या ऐसा हो सकता है डेकीसुगी? हम इन स्ट्रॉस को सारे डायरेक्शंस में रख देंगे। अगर हमें ऊपर जाना है तो स्ट्रॉ में नीचे सर करके हवा भरेंगे, और आगे जाने के लिए पीछे, और पीछे जाने के लिए आगे हवा भरेंगे। हाँ, ऐसा करने से हम आराम से खुले आसमान में उड़ सकते हैं। ऐसा क्या? पर सोचना यह है, हम रॉकेट की बॉडी कैसे बनाएंगे? एक पेपर से। क्या कहा, पेपर से? देखते जाओ, ये है मटेरियल ट्रांसफॉर्मर। हम शुरुआत में पेपर यूज करेंगे और उसे स्टील में बदल देंगे। अब समझा। ठीक है, तो मैं डिजाइन शुरू करता हूँ। चलो मेरे घर पर बनाते हैं। हाँ। सबसे पहले मैं पेपर को डेकीसुगी के प्लान के मुताबिक काट देता हूँ। मैं ये बाहर ले जाती हूँ। हाँ। मैं ये चिपका देता हूँ। डोरेमोन ये तैयार हो गया। और ये स्ट्रॉज, समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाऊं, यहाँ पर कि वहाँ पर। हमने कर दिखाया। तैयार है। वाव, तो ये है इसका कंट्रोल पैनल। इस बटन को खींचो तो हवा अंदर जाएगी, उसी स्ट्रॉ से जो इससे जुड़ी हुई है। हाँ, ये तो मजेदार है। कमाल कर दिया डेकीसुगी। 5 सेकंड्स में हम उड़ जाएंगे। 4, 3, 2, 1, चलो। अरे ये क्या हो रहा है? ये हम ऊपर जा रहे हैं। ये कर दिखाया, ये कमाल है। नो बेटा। तुमने हवा भरना छोड़ क्यों दिया? मुझे माफ करना। अब हम एक एक करके हवा भरेंगे। तो दोस्तों, तुम कहाँ जाना चाहोगे? स्पेस में चलते हैं, और क्या? बिल्कुल नहीं नोबिता, ये शिप स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल नहीं बनी है, इसलिए इस बारे में सोचो भी मत। अरे नहीं, वैसे भी ये बात जरूरी तो नहीं कि एक स्पेस शटल एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ही जाए। मुझे ये सब कुछ पता है। चलो स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर चलते हैं दोस्तों। डेकीसुगी, शिप को राइट साइड ले चलो। हमने कितनी मेहनत करके ये रॉकेट बनाया, पर बाद में इसका क्या होगा? बच्चों की तरह उदास मत हो नोबिता। स्पेस एक्सप्लोरेशन गेम हेलमेट, इसे पहन लो। दोस्तों, इसे पहनने से ऐसा लगता है कि जैसे हम स्पेस में ही हैं। कितना सुंदर है। वाओ। अरे मैं एक चीज देख रहा हूँ जो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही है। तुम सब ठीक हो ना दोस्तों? हाँ मैं ठीक हूँ, और ये शटल भी ठीक है। इसमें बहुत मजा आ रहा है। अरे ये क्या है, एक स्पेस शटल? जरूर उसके पीछे नोबिता और डोरेमोन होंगे। अच्छा, तो चलो चलते हैं। सुनियो, हम लोग सचमुच में बच गए? हाँ नोबिता, किस्मत से हम सब बच गए। अरे हाँ, ये क्या आ रहा है? ये तो
अरे सुनियो, आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं? हाँ? बच गए। ये आउटर स्पेस तो बहुत ही ज्यादा अलग है। लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। स्पीड थोड़ी कम करो। ये कौन सा प्लैनेट हो सकता है? क्या ये बैक माउंटेन प्लैनेट है? हमेशा होशियार रहना दोस्तों, यहाँ हमें अलग जीव भी मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो स्कूल के पीछे का पहाड़ है। क्या कहा? स्कूल के पीछे का पहाड़? ऐसा समझो कि हम इस ग्रह पर पहले कभी नहीं आए हैं। ठीक है, जरा वहाँ देखो। ये तो एक शहर है, मुझे लगता है इस ग्रह के लोग यहीं पर रहते हैं। लेजर गन निकालो जल्दी। रुक जाओ, सबसे पहले उनसे बात करके देखते हैं। क्या उन्हें हमारी भाषा समझ आएगी डोरेमोन? हम सब यहाँ एक प्लैनेट से आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी। क्या आपको हमारी भाषा समझ में आ रही है? ये अपने बेकार के गेम्स छोड़ो और घर जाकर अपना होमवर्क करो। समझ गए नोबिता? जाओ। क्या कहा, यहाँ पर भी होमवर्क होता है? हाँ, लगता तो है। हाँ? ये क्या हो रहा है? वो रहे वहाँ पर। हे, जरा वहाँ देखो, उधर वो रहा। चलो 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 चलो, वहाँ देखो कुछ अंतरिक्ष यात्री हैं। हे, जल्दी करो। हे, जल्दी वहाँ बैठो। अच्छा ठीक है जी आन। पहुंचना जाए। वो हम तक नहीं पहुंच सकते। मुझे तो जुकाम था। ठीक तो हो ना? शुक्र है किसी नम चीज पर गिरा। मेरे ऊपर से हटो। बिना पूछे उसके अंदर गए ही क्यों?